जैसी जैसी कोई नहीं। बेटा तू तो ऐसे रो रही है कि मेरी नौकरी नहीं, मैं ही चला गया। पापा जी। अच्छा ठीक है, तू चुप हो जा वरना चश्मे धुल जाएंगे। पापा जी अब आपके आराम करने का वक्त है, अब जो करना होगा मैं करूंगी, घर की जिम्मेदारी मैं उठा सकती हूँ। ना बेटा, तू जितना कर रही है उतना ही बहुत है, बेवकूफ। पापा जी। अरे तू नहीं, वो तू नहीं बताया होगा सब कुछ, तेरे पेट में पछती नहीं ना कोई बात। बाय जैसी। अरे तू कहाँ जा रहा है बेटा, चाय तो पी कर जा। तो करता तेरे को मार मार के तेरी चटनी बना दूं। पापा जी आप क्यों डांट रहे हो उसे? बेबे आज से घर का जिम्मा मेरे ऊपर। ना बेटा उसकी नौबत नहीं आएगी, जिम्मेदारी तो मैं ही उठाऊंगा, और वैसे भी मैं तो बहुत सारी बिजनेस स्कीम्स प्लान कर रहा था इस गधे के साथ। इंद्र जी, जी जी हाँ हाँ जैसी, हम तो बहुत सारी नई नई स्कीम्स बना रहे थे। नंदू मेरे साथ ऊपर चल, वो नया सॉफ्टवेयर दिखाना है। एक मिनट बेटा, इधर आ। बेटा तूने अपने बॉस से तनख्वाह वाली बात की? नहीं, वो आज सर बहुत बिजी थे, और वैसे भी कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही है। मिस रिसेप्शनिस्ट, ये रिसेप्शन है, आपका पर्सनल मेकअप रूम नहीं। तुम जाओ ना, ये ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ऑफिस बंद हो चुका है, अब मैं जो चाहूं करूं। तुम भी यहां मेरी तरह काम करती हो तो चुपचाप जाओ, अपने घर का रास्ता नापो। शट अप, हाउ चीप। चीप? चीप किसे कहती हो? खुद बहुत इनोसेंट बनती हो, मर्दों को फंसाने की पूरी किताब लिख सकती हो। ओह प्लीज, जिस तरह के हैंडसम मेन से मैं मिलती हूँ, वैसा क्लास तुम्हें कभी नहीं आएगा डार्लिंग। इसकी तो समझ में तब आएगा जब इसका क्लासी बॉयफ्रेंड मेरे आगे पीछे घूमेगा। और घूमने के लिए तो मैं हमेशा एवर रेडी रहता हूँ। मरिया मेरी जो बाइक है ना, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कम ऑन लेट्स गो। और वैसे भी राज तो परी के साथ, यू नो व्हाट आई मीन? नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन। वीरू, वीरू वो पाउडर रूम में ना मेरा बैग रह गया, ले आओगे प्लीज? प्लीज हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ। हाय हाय, वर्किंग लेट हो समय? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी कजिन का फोन आने वाला था, वो मुझे पिकअप करने वाला था, लेकिन अब उसका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे जाऊंगी। What a shame. वैसे तुम जा कहाँ रही थी? मैं कहाँ जाऊंगी सर? सर नहीं, राज, सिर्फ राज। ऑफिस खत्म हो चुका है। ओके, राज। क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? अगर आपको तकलीफ ना हो तो। तकलीफ तो तब होगी अगर मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। Really? चलें? ओके। क्या किस्मत है मेरी, माहौल इतना रोमांटिक पर किसके लिए? लाइफ समटाइम्स इज सो। ये वॉचमैन भी ना, तुमको पता नहीं। क्या पता है? कुछ नहीं, किसी और का इंतजार हो रहा था। नहीं, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ of course, please. Electricity? वो actually आज सुबह शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस वजह से पता नहीं वायरिंग में क्या हो गया, God knows. Electrician? क्या? God नहीं, इलेक्ट्रिशियन का काम है। हाँ वो actually आज मेरा इलेक्ट्रिशियन छुट्टी पे चला गया, इसलिए आज रात ऐसे ही काटनी पड़ेगी। आर्यन तुमने मेरा एड्रेस लिया था, मैंने सोचा तुम किसी को भेजोगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मैं खुद आया हूँ, वैसे भी हमारी बातचीत के लिए ये जगह ठीक है। गुलमोहर के कबूतर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मिल रहे हैं। गुलमोहर में कबूतर भी है? आर्यन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं बाहर चलते प्लीज। नहीं बहुत अच्छी जगह है,
कैंडल लाइट है, सोफा है, विस्की है? विस्की? या शो और वो मैडम है क्या? ये मैडम ने मंगवाया था। इतने सारे कैंडल्स? ये चेंज सब रख लो। थैंक यू सर। अच्छा बताओ, इस सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन नहीं है क्या? है ना साहब। तो फिर ये ठीक क्यों नहीं कराते? अरे साहब, कुछ खराब हो तो इलेक्ट्रिशियन ठीक करे ना। अब कटी हुई बिजली को कोई वापस कैसे ठीक कराएगा? 6 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया, अब बिजली तो कट के रहेगी ना साहब। ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठो। तो क्या है तुम्हारी खास इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद तुमको पता नहीं कि जब अरमान हांगकांग जाएगा ना, तो जस्सी सिग्नेटरी होगी, यानी कि सारे चेक्स पर जस्सी साइन करेगी। तो इसमें बड़ी बात क्या है? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये। अगर जस्सी फाइनेंस हैंडल करती है तो जाहिर है कि वही चेक साइन करेगी, तुम नहीं। जस्सी, तू मुझे नहीं अपने पापा जी को जॉब दिला दे गुलमोहर में। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन घर पे बैठ पाएंगे। जिस आदमी को सुबह 11 से 6 काम पे जाने की आदत हो उसको ये डील कम से कम 6 करोड़ की होगी। मतलब हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। जस्सी तू सुन रही है ना? हाँ। लेकिन तू मुझे क्या बताने वाली थी? जस्सी देख, तू मुझे ना परी के अंडर जॉब दिला दे, मैं बहुत खुश रहूंगा। मुझे इसको पीएन बनवा दे, आई स्वेयर मदर। प्लीज 2 मिनट चुप करो, मेरी बात सुन। आज देखो एक और प्रमोशन मिल गया। ना तो तू प्लीज बीच में मत बोलना। आज आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे हिला दिया है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कुछ, वही तुझे बताना है। आज पहली बार लाइफ में किसी ने मुझे बकवास इंफॉर्मेशन है ये। अरमान के एब्सेंस में कोई तो संभालेगा ना गुलमोहर को, एंड जस्सी इज अ गुड चॉइस। अगर जस्सी से कोई गलती होगी तो नुकसान तो कंपनी का ही होगा ना। जो लड़की सीधा चल ही सकती है वो कंपनी क्या चलाएगी? चलने और कंपनी चलाने में जमीन आसमान का फर्क है मिस लॉन्गलेग्स। क्या गलती करेगी वो? आज तो कोई गलती की है जस्सी ने? हाँ, अकाउंट्स भूल जाएगी सडनली, किसी को गलत चेक दे देगी, और जब तक वो ऐसा कुछ नहीं करती हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो किसी से ज्यादा मिलती है, ना बात करती है। मिलिए मिलिए, वो लावण्या क्रिएशंस वाला शांतनु है, उससे मिली थी वो। हाँ कम, जिस लड़की का ऑफिस में कोई दोस्त नहीं है वो उससे क्यों मिलेगी? वो भी बार बार, एंड यू नो व्हाट, वो गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहा था उसके लिए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, और हो सकता है तुम अच्छे मैनर्स को गलत समझ रही हो। It could be business. तो वो बैक एंट्रेंस में क्यों मिल रहे थे? हम तो ऑलरेडी लावण्या क्रिएशंस वालों के साथ बिजनेस करते हैं, तो बार बार मिलने की क्या जरूरत है, वो भी जस्सी से। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो तुम गुलाटी? शराब पी रहा हूँ सर, और क्या करूँ, बेकार हूँ। गुलाटी, तुम लावण्या वालों को जानते हो? कौन, वो शांतनु? सर उसकी कंपनी घटिया माल बनाती है, अपने लेवल का नहीं है सर वो। और गुलमोहर के लेवल तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता है वो? माल तो घटिया रहेगा ना सर जी, अभी तक वो लोग घूस और कमीशन देकर सरकारी काम ही करते रहे। अच्छा, कमीशन देते? उनका तरीका है सर। लेकिन सर, जब मैं गुलमोहर में वाइस प्रेसिडेंट था ना, एक पैसा नहीं लिया सर मैंने उनसे। मगर उसने ऑफर किया था। हाँ, अपने तरीके से किया था सर, ये शांतनु ने किया। गुलाटी, तुम्हारे कैसे रिलेशन है उसके साथ? क्यों सर? अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सको तो फिर से वीपी फाइनेंस बन सकते हो। सर जी, गुलाटी तो पत्थर से भी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। तो फिर पता करो गुलाटी, उनने जस्सी को क्या ऑफर किया है। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मिस्टर सेठ? इन्फॉर्मेशन में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि शाम का क्या किया जाए। क्या क्या? Stop playing games with me, huh? तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी ना? Remember coffee shop? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? नहीं यार, कुछ नहीं चाहिए। नहीं? कुछ नहीं चाहिए? नहीं।
Are you refusing me, Pari? Are you refusing me? एक लड़की जिसने 6 महीने से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया, जिसका हस्बैंड उसे पैसे देने से इनकार कर रहा है, जिसकी जरूरतें उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बढ़कर है, उस लड़की के पास चॉइस ही क्या है? हाँ? उस लड़की के पास चॉइस क्या है? अरे प्लीज, प्लीज व्हाट? प्लीज हेलो हेलो सर, मैंने कुछ तुलाठी ऑलवेज रॉन्ग टाइमिंग, बाद में फोन करना। और अगली बार जरा विस्की अच्छी मंगा के रखना। गाड़ी खराब हो गई। ड्राइव करने का मूड नहीं है। बगल में इतनी खूबसूरती बैठी हो तो सड़क पे नजर कैसे टिकी रहेगी? थैंक यू। खूबसूरत और मैं? मारिया, अगर तुम उस ऑफिस डेस्क के पीछे छुपी ना बैठी होती तो आज एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल होती। ललू, ये ले पानी। तीस लाख? जैसे तुझे मालूम है 30 लाख में कितने जीरोस होते हैं? जैसे 30 लाख माने 30 लाख। धीरे बोल वरना लोग सोचेंगे कि तू पागल हो गया। ले ले जैसे, ले ले पैसे। मैं तो कहता हूँ भगवान ने शांतनु को तेरी और तेरी फैमिली की हेल्प करने के लिए भेजा है। वो बिजनेसमैन नहीं जस्सी, वो देवता है, देवता। नहीं नहीं नंदू, ये गलत होगा, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? अरे जस्सी तू क्या बात कर रही है? इस दुनिया में ईमानदारी बेईमानदारी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। भगवान ने तेरे साथ ईमानदारी नहीं करी। जस्सी जिस तरह से हम दोनों को बनाया ना, 30 लाख तो दूर, 30,000 एक साथ देखना मुश्किल है। तू क्या बात कर रही है? बेवकूफी तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। फिर भी नंदू, मैं जैसे ही, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मेरा मन नहीं मानता। और वैसे भी पापा जी कहते हैं कि पैसा इंसान को जानवर बना देता है। और उन्हीं पापा जी को आज पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे जानवर तो वो लोग हैं जो तेरे से दिन रात काम कराते हैं, और तेरा एक रुपया नहीं बढ़ा। मैं तेरी जगह होता ना तो सारा पैसे लेके घर आ जाता। जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको सस्ता माल बेचना है, अरमान की कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, सस्ता सौदा खरीदना है, दैट्स इट। पर मैं नौकरी के साथ बेईमानी नहीं कर सकती, मेरी नौकरी का फायदा। जैसे इंसान काम करता है पैसा कमाने के लिए, तू इतना काम का मत कर। अपने फैमिली की सोच, अपने घर की सोच। अरे काम वाले तो तेरे कोई भी नहीं लगते, तेरी फैमिली तेरी अपनी है। तुझे यहां तक पहुंचाने वाले वो है, उनका सोच, परायों का नहीं। Stop playing games with me. तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? Are you refusing me? एक लड़की जिसने 6 महीने से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया, जिसके एक्स हस्बैंड ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी जरूरतें उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बढ़कर है, उस लड़की के पास चॉइस क्या है? तो हम कहाँ थे?
राज। हाय राज, I'm really sorry, मैंने इतनी देर से फोन किया। तुम ठीक तो हो? No राज, I'm not okay. I really need you राज. I love you राज. Me too. तुम्हारा वो डिनर कैसे रहा डैडी के साथ? It was terrible राज, it was terrible. मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ राज. इस वक्त तो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। राज लेकिन बाय, कल सुबह बात करते हैं। बाय। किसका फोन था? क्लाइंट का था। इतनी प्यार से बात कर रहे थे। क्लाइंट है तो प्यार से बात तो करनी ही पड़ती है, यू नो, दिस इज पार्ट ऑफ सेल्समैनशिप। अभी नो बिजनेस, ओके? ले जैसी, ले ले पैसे। मैं तो कहता हूँ भगवान ने शांतनु को तेरी और तेरी फैमिली की हेल्प करने के लिए भेजा। जैसी गुलमोहर के साथ जो भी डील होगी उसका 5% आपका, कैश, ड्राफ्ट, व्हाटएवर। जिस तरह से भगवान ने हमें बनाया ना, 30 लाख तो दूर, एक साथ 30,000 देखना भी मुश्किल है। तो क्या बात कर रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये डील कम से कम 6 करोड़ की होगी। मैं तेरी जगह होता ना तो पैसे लेकर ही घर आता। हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। जैसे जानवर तो वो लोग हैं जो तेरे से दिन रात काम कराते हैं, और तेरा 1 रुपया नहीं बढ़ा। मैं तेरी जगह होता ना तो सारा पैसे लेके घर आ जाता। ये डील कम से कम 6 करोड़ की होगी। हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। नहीं जैसी, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मामा पापा ने तेरे लिए बहुत कुछ किया जैसी, अब तेरी बारी है। मैं तो तुम्हें गुलमोहर की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जैसी तो 30 लाख से अपने मामा पापा की सारी तकलीफें दूर कर सकती है। जैसी ले ले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.